राज्यसभा में आज लोकपाल विधेयक चर्चा के लिए पेश किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायण स्वामी ने इस विधेयक को चर्चा के लिए राज्यसभा में पेश किया। राज्यसभा में भाजपा के उपनेता रविशंकर प्रसाद ने लोकपाल के मुद्दे पर कहा कि सभी दलों ने मिलकर साझा मसौदा तैयार किया है और इसे पारित होना चाहिए। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी लोकपाल बिल का समर्थन करती है और इसे इसी सत्र में पारित किया जाना चाहिए। जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी प्रभावी लोकपाल को पारित कराने के पक्ष में है और इसे जल्द से जल्द पारित किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने चारा घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जमानत प्रदान की। उच्चतम न्यायालय ने लालू प्रसाद पर जमानत की शर्त लगाने के बारे में सुनवाई अदालत से फैसला लेने को कहा। चारा घोटाले में फंसे राजद नेता लालू प्रसाद यादव को जमानत के मुद्दे पर केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि वे अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत देने को सामान्य कानूनी प्रक्रिया का अंग बताया। प्रधानमंत्री निवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय योजना निगरानी सिस्टम के तहत आगामी चार वर्षों के लिए 1080 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी गई। मंत्रिमंडल ने ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित बिजली कंपनियों के वेतनमान बोर्ड को मंजूरी दे दी। उपराज्यपाल नजीब जंग ने भारतीय जनता पार्टी के इनकार के बाद दिल्ली में सरकार बनाने की संभावना तलाशने के लिए अब आम आदमी पार्टी को न्योता दिया है। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल को जंग ने शनिवार को सरकार के गठन पर विचार विमर्श के लिए बुलाया है। संसद पर हमले की आज 12वीं बरसी है। इस मौके पर संसद परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें उस हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। आंध्र प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही आज पृथक तेलंगाना के गठन के मसले पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा में तेलंगाना मुद्दे पर विपक्षी दलों ने आज कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा करते हुए अपना विरोध जताया। अमेरिका में भारतीय वाणिज्य दूतावास में भारत के उप महावाणिज्य दूत देवयानी खोबरा डगे को अपने घर में एक भारतीय नागरिक को काम पर रखने के लिए उसके वीजा आवेदन के साथ फर्जी दस्तावेज सौंपने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। शेयर बाजार हुआ कमजोर। आज के शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 163 अंक की गिरावट के साथ 20,872 अंक पर खुला। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 52 अंक की गिरावट के साथ 6,185 अंक पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में आज के शुरुआती कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 30 पैसे कमजोर होकर 62.13 रुपए प्रति डॉलर पर आ गया। कल डॉलर की तुलना में रुपया 58 पैसे कमजोर होकर 61.83 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। बांग्लादेश में 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान मानवता विरोधी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए जमात इस्लामी नेता अब्दुल कादिर मुल्ला को कल फांसी दे दी गई। 65 साल के मुल्ला को फांसी दिए जाने से कुछ घंटे पहले ही देश के सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पुनरीक्षा याचिका खारिज की थी।